सरकारी जमीनों पर अगर आपने कब्जा कर रखा है तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। और इतना ही नहीं, अगर किसी सरकारी संपत्ति जिसका लीज आपने ले रखा था और अगर आपकी मौत हो जाती है तो अब आपके बाल बच्चों से भी सरकार लीज की राशि वसूलेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। और बिहार में सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को लेकर के नीतीश सरकार ने बिहार विधानमंडल में एक ऐसा कानून पारित कर दिया है जिसके बाद अब सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खुल गए हैं, यानी कि उन्हें जेल भेजने की पुख्ता तैयारी कर ली गई है। इतना ही नहीं, भारी भरकम जुर्माना लगाने को लेकर के भी इस नए बिल में पूरी तरीके से एक ऐसी तैयारी की गई है जिसमें अगर आपके नाम पर किसी अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा का आरोप लगता है तो उसमें आपको सरकार जेल से लेकर के जुर्माना तक सब तरीके की सजा देने को तैयार है। दरअसल बिहार विधानमंडल का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें बिहार विधानसभा में सरकार की ओर से, यानी कि नीतीश सरकार की ओर से, बिहार में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को लेकर के एक नया कानून लाया गया है, या कहिए कि कानून में संशोधन किया गया है। और जो संशोधित कानून है उसके अनुसार सरकारी जमीन, मकान या दूसरी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों को रोकने के लिए नीतीश सरकार के इस नए कानून को काफी कड़े रूप से बनाया गया है। और संशोधित कानून के तहत अगर सरकारी जमीन, मकान या फिर किसी सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया जाता है तो उसके लेकर के अब जेल की सजा हो सकती है, और यह जेल की सजा 6 महीने की होगी और साथ ही साथ ₹10,000 जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, संभव है कि जो अवैध कब्जाधारी था उसे 6 महीने की जेल और ₹10,000 जुर्माना, ये दोनों का दोनों एक साथ देना पड़े। इतना ही नहीं, जो लीज पर लेकर के किसी जमीन को और समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो इनसे भी सख्ती से निपटने के लिए इस नए कानून में एक अलग किस्म का संशोधन किया गया है। और इसके तहत जो लीज लेने वाले हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बाल बच्चों से भी लीज की राशि वसूलने को लेकर के नीतीश सरकार के इस कानून में प्रावधान किया गया है। तो दरअसल ये जो नया कानून लाया गया है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम दिया गया है बिहार सरकारी परिसर आवंटन किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024, और इसे विधानसभा में पारित किया गया है। कानून में जो संशोधन किया गया है उसके तहत अब अवैध रूप से सरकारी परिसर पर कब्जा बनाए रखने के और निर्देश के अनुसार इसे खाली नहीं करने वालों पर सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने की स्थिति में जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में अब तक जो सरकारी संपत्ति का आवंटन कराने का जो नियम था और जो लीजधारी को आवंटन करना या फिर वापस लेना और किराया वसूली एवं बेदखली का जो कानून था यह वर्ष 1956 का ही कानून था। तो वर्ष 1956 का कानून ही अब तक चल रहा था। इस वजह से कई जगहों पर यह देखने को मिलता था कि जो सरकारी संपत्तियों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है या विशेष करके वैसे परिसंपत्तियां यानी कि आधारभूत ढांचे वाले बिल्डिंग्स है खास करके, उन पर जिन लोगों ने लीज ले रखा था उसे समय पर खाली नहीं करते थे, या फिर कई बार अगर लीज धारक की मृत्यु हो जाती थी तो उनके जो अगले जो संतानें होती थी, उनके बाल बच्चे जो होते थे, उनके द्वारा भी लीज पर अवैध रूप से कब्जा किया रखा था और किसी प्रकार का लीज भुगतान नहीं किया जाता था। तो इससे राजस्व का एक बड़ा नुकसान राज्य सरकार को होता था। तो राज्य सरकार ने इसी राजस्व नुकसान को पाटने और ऐसे अवैध कब्जाधारियों पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर के कानून में यह संशोधन किया है। और कानून का जो अब नया रूप दिया गया है उसके अनुसार यह तय किया गया है कि अगर कोई जो लीजधारी है या पट्टाधारी है उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर जो बकाया किराया था यह उसके वारिस से वसूला जाएगा, यानी कि उनके बाल बच्चों से वसूला जाएगा। संशोधन में यह कहा गया है कि जो वारिस से वसूलने का प्रावधान जोड़ा गया है इसमें यह तय किया गया है कि अगर आपके माता पिता या आपके जो अभिभावक हैं उनके नाम पर कोई लीज था और आप उस लीज जगह वाली जगह पर अभी भी कब्जा जमाए हैं तो अब आपको पूरा किराया देना पड़ेगा। साथ ही साथ यह भी किया गया है कि कई ऐसे जमीन जिनकर की लोग बाग अलग किस्म से कब्जा अवैध तरीके से किए रहते हैं तो उन परिसरों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। अगर 1 सप्ताह के भीतर आपने वह परिसर खाली नहीं किया तो आपके ऊपर विधि संगत कार्रवाई के तहत 6 महीने की जेल यानी कि आपकी गिरफ्तारी होगी और आपको जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ न्यूनतम जो है वो ₹10,000 जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे में
वैसे तमाम लोगों के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बुरी खबर है। जिन लोगों ने बिहार में सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा जमा रखा है तो उनको अब जेल भेजने और भारी भरकम जुर्माना लगाने का रास्ता नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है।